सीबीआई से कहा कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। जिन पर एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर, पर काम से फोकस ना हटने दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सीबीआई की स्थापना के 60 साल पूरे होने के डायमंड जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने 25 मिनट के संबोधन में सीबीआई के 6 दशक के सफर और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर बात की। उन्होंने सीबीआई से कहा, आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में पोस्टल स्टाम्प और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का लॉन्च किया। इसके साथ ही शिलोंग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के ब्रांच ऑफिस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। पीएम ने कहा कि देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में सीबीआई ने 60 वर्ष का सफर पूरा किया है। 6 दशक में सीबीआई ने बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल और बहु अनुशासनात्मक मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। महानगर से लेकर जंगल तक सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है। इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। पीएम ने कहा कि हमने 2014 के बाद हर काम में पारदर्शिता लाई, जिससे लोगों को भ्रष्टाचार का मौका ना मिले। घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा, और इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।